सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रो करंट चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटेलाइट बॉक्स हो या हमारे लोकल केबल टीवी की सेट टॉप बॉक्स हो, उसके सिग्नल को कैसे हम अच्छी कर पाए और भी स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिसकी वजह से अगर हम हमारे कोई भी टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे सिग्नल और भी बेहतर और भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकोडिंग चैनल को। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों सेटअप बॉक्स में सिग्नल प्रॉब्लम बहुत सी वजह से हो सकती है, जैसे कि वायर की वजह से हो सकती है, या हमारे डेस्क स्विच या स्प्लिटर की वजह से हो सकती है, या LNB तक जो वोल्टेज पहुंचती है वो वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही है उसकी वजह से भी हो सकती है, या हमारे नॉर्मली जो हैंड ज्वाइन करते हैं हम हमारे वायर पर उसकी वजह से भी हो सकती है। तो दोस्तों आइए इन प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं और सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाती है वो हमारे वायर की प्रॉब्लम। तो मार्केट पर आपको बहुत तरह की वायर मिल जाएगी, एक मिलेगी आपको लोहे की वायर, एक मिलेगी आपको कॉपर की वायर। तो मैंने बहुत सारे सैटेलाइट बॉक्स में देखी है जो अपने कंपनियां लोग लोहे की वायर दे जाती है, उसमें अगर क्या होता है, अगर आप एक सैटेलाइट से एक ही बॉक्स में देख रहे हो तो तभी सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप चार पांच सैटेलाइट से दो या तीन बॉक्स में देख रहे हो तो वहाँ पर क्या होती है, सिग्नल लॉसेस बढ़ जाती है। तो अगर आप कॉपर की वायर यूज़ करते हो तो उसमें लॉसेस है बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि लोहे से ज़्यादा कॉपर में अच्छी तरीके से सिग्नल आती है या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। तो मैं ये सजेशन दूंगा, आप अगर कॉपर की वायर यूज़ करते हो तो उसमें आपकी सिग्नल क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ और भी अच्छी रहेगी और भी बेहतर रहेगी। नेक्स्ट आ जाती है वो हमारे स्प्लिटर या डेस्क स्विच। तो दोस्तों स्प्लिटर या डेस्क स्विच की वजह से भी हमारे सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों हर वो डेस्क स्विच या स्प्लिटर में एक सिग्नल लॉसेस होती है, तो आप उतना ही यूज़ करें जितना आपकी ज़रूरत हो उस पोर्ट को। अगर आप कोई भी पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसे चेंज कर लें, ज़्यादा पोर्ट ना रखें, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी सिग्नल लॉसेस बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद आ जाती है हमारे वोल्टेज की प्रॉब्लम। तो दोस्तों वोल्टेज की प्रॉब्लम से भी हमारे सिग्नल में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारे सभी वो सेटअप बॉक्स जो सैटेलाइट द्वारा चलती है उसकी पीछे से एक वोल्टेज निकलती है 12 से 13 वोल्ट तक, जो हमारे वायर से गुजरकर LNB तक जाती है। अगर दोस्तों बीच में कोई भी डेस्क स्विच या स्प्लिटर यूज़ कर रहे हो जो वोल्टेज को प्रॉपर तरीके से LNB तक नहीं पहुँच रही है, तो दोस्तों आपकी सिग्नल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप बेहतर सी डेस्क स्विच या स्प्लिटर को यूज़ करो जो वोल्टेज को एकदम ही प्रॉपरली LNB तक पहुँचाए। और दोस्तों इसके बाद आती है वो हमारा वाटर की प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप सभी डेस्क स्विच हो या आपकी कोई भी जॉइंट हो उसको आप पानी से दूर रखें। अगर आपकी लोहे की वायर होगी तो वहाँ पर जंग लग सकती है। अगर दोस्तों आपकी कॉपर की वायर होगी वहाँ पर आपको सल्फर पड़ सकती है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आप पानी से उन चीज़ों को दूर रखें जहाँ से आपकी वायर में पानी जा सकती है, और इस पानी से भी आपके सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों लास्ट में जो आ जाती है वो हमारे जॉइनिंग की प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से उसको जॉइन करो। अगर कई बार क्या होती है, हमारे एक्सीडेंटली तार कट जाती है या वहाँ से टूट जाती है, तो दोस्तों आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करो जो प्रॉपरली जॉइन करती है अपने वायर को, इससे आपकी सिग्नल की लॉसेस और भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी हमारे सिग्नल की कुछ सारे प्रॉब्लम। अगर हम थोड़ी सी ध्यान दें उस पे ऊपर तो दोस्तों हमारे सिग्नल और भी बेहतर और भी स्ट्रांग हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी की पूरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक कीजिए। वीडियो के बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दो दिन में एक नए से वीडियो लेकर आपके सामने आती रहती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, नमस्कार।